कौन है नेक्स्ट? 500 कौन सा? बेसिकली आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और मैं इस स्पीच को जो हमारा फर्स्ट बॉटल क्रशर है जुबीच का उसका उद्घाटन करने जो फर्स्ट बॉटल क्रशर था उसका उद्घाटन करने आए थे हम लोग वहाँ पे जो था बहुत सिंपल चीज है ये जो मशीन है आपको कोई भी प्लास्टिक बॉटल दिखेगा आप वो मशीन में डाल सकते हैं वो अपने आप रिसाइकिल हो जाएगा उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फीड इन कर सकते हो और आपको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आएगा फ्रॉम सेव द बीच। मैं जूह पे कुछ तकरीबन 25 साल से 20 साल से रह रहा हूँ एंड मेरी पूरी जो बचपन है यार जूह बीच पे मैंने गुजारी है हमेशा यहाँ पे आता था क्रिकेट खेलता था भागता था बीच के अंदर जाता था नहाता भी था जब मैं 10 साल का था जैसे फैमिलीज आजकल आते यहाँ पे बट एज इयर्स हैव गॉन बाय हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन पॉपुलेशन हम लोग जिस तरीके से गार्बेज फेंकते हैं बीच पे तो बहुत नुकसान हो गया है बीच का तो इस सबका हम मस्ती सबको करना है वो सब मैं भी समझता हूँ मैंने भी बहुत किया मैंने भी कचरा फेंका है बचपन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ बट अब जब हम लोग बड़े हो गए हम लोग अगर बच्चों को सिखा रहे तो ये सिखाना चाहिए कि हम लोग को जो लिटर है वो हमें बीच पे नहीं करना चाहिए रोड पे नहीं करना चाहिए हम लोग को जेन्युइनली हमारा भारत हमारा जू भी स्वच्छ रखना चाहिए तो जितना भी कचरा है हमें आइदर इन डस्टबिन और आइदर इन सब अच्छे लोगों ने जो हमें डस्टबिन दिए है जो बॉटल क्रशर्स दिए उनका यूज करना चाहिए उनका उपयोग करना चाहिए प्लीज उसे डैमेज नहीं करना चाहिए एंड सिटीजन पुलिसिंग एक चीज होती है अगर आप देख रहे हो किसी ने कचरा ऐसे फेंक दिया तो आप जाओ उठा लो अगर आपके घर में किसी ने कचरा फेंका आप उठा देते हैं तो ये भी हमारा घर ही है तो प्लीज जाके उठाइए ये मेरा हम्बल अपील है आप सबसे प्लीज थैंक यू और जितने भी बच्चे हो तो प्लीज आराम से रखिए आई डोंट एनी वांट टू गेट हर्ट खाली धम्मा खाली धम्मा प्लीज 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 प्लीज।